हमीरपुर जिला के पूर्व सैनिकों ने अपनी पुरानी यादों को ताजा करने के लिए अर्थ डोगरा रेजिमेंट का 170वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया। थर्ड डोगरा रेजिमेंट का 170वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया। समारोह में पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष ब्रिगेडियर एस के वर्मा ने शिरकत की। इस अवसर पर रेजिमेंट के वरिष्ठ सदस्य कर्नल एस के शर्मा, कैप्टन प्रदीप डोगरा, कैप्टन धर्म सिंह, कैप्टन शक्ति सिंह के अलावा जिला भर के पूर्व सैनिकों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर पूर्व सैनिकों को कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष ब्रिगेडियर एस के वर्मा ने कहा कि पूर्व सैनिकों ने एकत्रित होकर स्थापना दिवस मनाया। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों को कल्याणकारी स्कीमों के बारे में भी जानकारी दी गई ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवार लाभान्वित हो सके। तृतीय बटालियन डोगरा रेजिमेंट के सभी पूर्व सैनिक यहाँ पे 170वां स्थापना दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तीन डोगरा 12 अक्टूबर 1900 में कल ईटी गेस्ट्रिल के कमान तहत जलंधर में रेज हुई थी और विभिन्न ऑपरेशंस में युद्धों में हिस्सा लेने के बाद पलटन ने बहुत ही अच्छे दर्जे का काम करते हुए 117 साल पूरे किए हैं और जितने भी पूर्व सैनिक हमीरपुर या इसके आसपास के इलाके के हैं उनको यहाँ पे इकट्ठा करके हम इस दिन को मनाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि जितने पूर्व सैनिक हैं अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए इन जो दिवस आते हैं इनको मनाएं ताकि जो हमारी यादें हैं उनको हम ताज़ा कर सकें और ताज़ा रख सकें और जितने भी लोग तृतीय बटालियन डोगरा रेजिमेंट के साथ जुड़े हैं उनकी जितनी उपलब्धियां हैं उनको यहाँ पे याद ताज़ा कर सकें। डोगरा का एक पूर्व सैनिक होने के साथ साथ हिमाचल प्रदेश सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट का डायरेक्टर भी हूँ तो मैंने सोचा कि आज का जो मौका है इसको जितनी भी केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार द्वारा योजनाएं पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए चलाई गई हैं उनके बारे में उन सबको अवगत करवाया जा सके ताकि इनका फायदा उठा सके। इसी के तहत केंद्र सरकार द्वारा बच्चियों की शादी के लिए हवलदार रैंक तक दो बच्चियों के लिए 50,000 रुपया आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। इसी तरह प्रदेश सरकार द्वारा जो युद्ध शहीद हैं उनकी बच्चियों के लिए भी 50,000 रुपये का सहायता देने का प्रावधान है। इस तरह और भी कई किस्म की स्कीमें हैं जिसके बारे में आज इंफॉर्मेशन करवाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको आगे से आगे बढ़ाकर लोगों तक पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा पुरुष सैनिक इसका लाभ उठा सकें।